मुरादाबाद के मुंडा पांडे स्थित भदासना हवाई अड्डे का लोकार्पण कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया गया। मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि मुरादाबाद के विकास के सपनों को उड़ान मिल गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व, विकास सकारात्मक सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के लोगों सहित हम सबका सौभाग्य है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री रविवार को मुरादाबाद के बदासना हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में मुरादाबाद सहित 5 हवाई अड्डों का लोकार्पण हुआ है। ये विकास का मील का पत्थर है। आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। 157 एकड़ भूमि में यह हवाई अड्डा बना है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रतिदिन 100 यात्रियों के आने की सुविधा मिली है। दूसरे चरण में 1600 यात्रियों के आने की सुविधा मिलेगी। हवाई अड्डा मुरादाबाद सहित आसपास के जिलों में विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आने वाले समय में गोरखपुर, बेंगलुरु सहित आदि शहरों की हवाई सेवा शुरू होगी। इससे पीतल लकड़ी के निर्यात को उड़ान भरने में सहूलियत होगी। जिलाध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने कहा कि ये मुरादाबाद के लिए गौरव का पल है कि हमें हवाई अड्डा और विमान सेवा की सुविधा मिल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी है। इस अवसर पर बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, ठाकुर रामवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा आकाश पाल, चड्डा ग्रुप से पंकज सक्सेना सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद के लिए आदित्य जी, श्याम बिहारी जी, ब्लॉक प्रमुख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एयरपोर्ट की लंबे समय से मांग थी, वो सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया है, जो फेज वन 147 एकड़ की जो जमीन यहाँ इसमें दी गई है और 30 करोड़ का एक एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनी है। पहले चरण का यहाँ मुरादाबाद जनपद वासियों के लिए सौगात है। और ये जो कनेक्टिविटी और उड्डयन मंत्रालय की जो उड़ान योजना है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे, चाहे मुरादाबाद हो, बरेली हो, श्रावस्ती हो, चित्रकूट हो, आजमगढ़ हो, आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन वहीं से हुआ है। और देश भर में जो एयरपोर्ट आ रहे हैं, सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने, संकल्प लिया था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उन्हें हवाई यात्रा साकार करके देंगे। वो दिन आ गया है सबकी आंखों के सामने, और अभी आगे और भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के बाद और विकास की परियोजनाएं यहाँ लाई।